नववर्ष शुरू होते ही हिमाचल पुलिस ने वाहन चालकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नेशनल हाईवे 21 चंडीगढ़ मनाली पर 2020 का आगाज होते ही पुलिस द्वारा लापरवाही और शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू कर दिया है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर डीएसपी सुंदरनगर गुरबचन सिंह रणौत ने खुद मोर्चा संभालते हुए देर रात तक वाहनों की गहन चेकिंग की। डीएसपी द्वारा शाम के समय शुरू की गई विशेष कार्यवाही देर रात तक चली और एनएच 21 पर मनाली की ओर से आ रही हर गाड़ी की गहन चेकिंग और पूछताछ की गई। वहीं कार्यवाही करते हुए डीएसपी व पुलिस टीम द्वारा 12 वाहन चालकों के शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए चालान काटे गए। डीएसपी ने कहा कि पुलिस द्वारा नेशनल हाईवे 21 पर विभिन्न क्षेत्रों में तेज रफ्तार और नशे में धुत वाहन चालकों पर शिकंजा कसा जा रहा है। उन्होंने कहा कि नववर्ष पर मनाली जाने व आने वाले पर्यटकों पर विशेष अभियान चलाया गया था। गुरबचन सिंह ने कहा कि इस विशेष अभियान का मकसद प्रदेश में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को अंजाम न देने को लेकर किया गया था। नेशनल हाईवे 21 पर सुंदरनगर पुलिस द्वारा नाका लगाया गया है, जो कि बाजार के बिल्कुल मध्य में रेस्ट हाउस चौक पर लगाया गया है, जहां और उसको मद्देनजर रखते हुए शहर में बहुत सैलानी भी आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ताकि किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, उसको डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए नाका लगाया गया, जिसमें हर चालक हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है तथा कोई भी व्यक्ति तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाए, शराब पी के गाड़ी ना चलाए, इनको मद्देनजर रखते हुए ये नाका लगाया गया है ताकि किसी अपराध को ना दिया क्यों घटित ना हो सके और ना ही कोई ऐसी अप्रिय घटना जिसे परिवार में खुशी का माहौल बनता बनता बिगड़ जाए, तो इसलिए लगाया गया है। अभी तक 10-12 चलान ड्रंकन ड्राइविंग के हो चुके हैं और ये नाका कंटिन्यू रहेगा। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।